So, I was watching Phineas and Ferb after a long time. And I remember when I was in school and I was watching the show. It's one of the best shows that I've seen. So, I thought, why not? Let's create a design. Let's create a manipulation. So, I know what to do in today's video. So, I got an idea that why not create manipulation plus like 3D art create Phineas and Ferb. Phineas and Ferb is one of the best cartoons I've ever seen. Like, when I was in the schools and I was watching it. I love it. Like, I loved it. So, I was watching it for a long time. And I ऐसा ड्रॉप कर आइडिया कि लेट्स क्रिएट समथिंग थोड़ा कुछ बना दे इसके ऊपर. तो आज की वीडियो में हम फिनिश एंड फर्ब को रियलिस्टिफाई करेंगे. मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं फोटोशॉप में करूंगा, ब्लेंडर से मैं कुछ चीजें उठाऊंगा. तो दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन करके कुछ क्रिएट करते हैं. तो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. I got an image जिसको मैं इस पर स्प्रेड करने वाला हूँ. तो ये वाली इमेज है, इस पर हम पूरा काम करेंगे. सो इसको जल्दी से हमने फोटोशॉप में डालते हैं एंड मैंने चालू करते हैं. लेट्स गो. तो सबसे पहले अपन को इन सबको रियलिस्टिफाइड करना है, लाइक फिनिश एंड फर्ब को दोनों को रियलिस्टिफाइड करना है. तो सबसे पहले हम फिनिश से चालू करते हैं. एंड आई डोंट नो वाई इसका नाक इतना बड़ा या फिर पता नहीं भाई इसका फेस अजीब सा है. तो अभी इसको सबसे पहले हम इसको मास्क कर लेते हैं, देन इसको सबसे पहले फिल कर लेते हैं उसके बाद. एंड उसके बाद इसकी जो आईज़ वगैरह हैं वो सब एक बार ही ड्रॉ कर लेते हैं. इसका फेस का पूरा लेआउट वगैरह अच्छे से बना लेते हैं. फेस वगैरह ड्रॉ करने के बाद मैं अपने गूगल पर जाऊंगा एंड यहाँ पे मैंने एक सर्च करा स्किन टेक्सचर. बेसिकली अब इसको हम टेक्सचर देंगे इसको थोड़ा सा रियलिस्टिफाई करने के लिए, थोड़ा सा असली वाला लुक देने के लिए. तो यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन टेक्सचर डाला एंड उसके बाद इसको छोटा करा एंड उसके बाद इसके फिनिश के फेस पे इसको मैच करने का ट्राई किया एंड इसको मैच कर दिया. उसके बाद बाकी का जो पार्ट है, बाकी का जो बॉडी पार्ट्स वगैरह, तो मैं इसको भी जल्दी से मास्क कर लेता हूँ एंड इन सबको ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, एंड देन इसको हम शेडोज एंड हाईलाइट्स देंगे बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी कैरेक्टर को रियलिस्टिफाई करने के लिए. ठीक है, तो इससे ही जो कैरेक्टर में डेप्थ आती है एंड उससे थोड़ा सा जान डलती है जहाँ पे मतलब शेडोज़ और हाईलाइट से. ठीक है, तो हम इसको डाल लेते हैं. I'm happy on my own, making coffee just for one, and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done. I'm never running behind. You're never. So, काफी मेहनत और 107 layers के बाद, we finally created these realistic Phineas and Ferb. तो अभी हमारा ये मतलब जो structure है वो ready है. अब इन सबको एक environment में बैठाना है. इसको environment में डालते हैं and इसको पूरा finalize करते हैं. Let's see एक कैसा बनता है. तो let's go. तो बचपन से जैसे कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन ही है जब भी हम सिंगल हैं, तो मैंने दोस्त को टेक्स्ट करा एंड पूछा ये कैसा बना है एंड उसका एक बहुत प्यारा सरप्राइज जैसे मेरे मालूम पड़ गया कि बहुत अच्छा बना है ऑफिस. सो दिस वाज द हमारा एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन जो मैंने क्रिएट करा है. तो अब इसमें एनवायरनमेंट ऐड करेंगे. तो फटाक से अपने क्विक सिल्वर खोला मैंने एंड वहाँ पर जाके मैं जल्दी से 3D मॉडल्स वगैरह डाउनलोड करे एंड उन सबको 3D मॉडल्स को मैंने ब्लेंडर में डाला. ब्लेंडर डालने के बाद अपन यहाँ पे उसके हाइलाइट्स वगैरह देंगे, लाइक उनके कलर्स वगैरह मिलाएंगे. और जैसे मेरे को चाहिए था ट्री का मॉडल चाहिए था, उसके ट्री के पत्ते का मॉडल चाहिए था एंड कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो ये लोग ऐसे इन्वेंशन वगैरह करते रहते हैं. तो उसके आसपास थोड़ा मैस रहे जिससे कि लगे कि हाँ भाई ये सच में इन्वेंशन करने वाले बच्चे हैं, मतलब बहुत तेज़ दिमाग वाले बच्चे हैं. काश मैं ऐसा होता. फिर वैसा मेरे बाप को, अगर मेरे माँ बाप ये शो देख लेंगे तो पक्का 100% कहेंगे भाई हमको यही बंदे चाहिए, भाई तू चला जाओ. ठीक है, जस्ट लीव दिस टॉपिक. ठीक, उसके बाद अपन ने यहाँ पे गए अपने फोटोशॉप में एंड फोटोशॉप में सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट करी. इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले उनको सेटअप करके देखा एंड सेटअप करने के बाद सो भी मैंने अपना कैरेक्टर्स बना लिए. ठीक है, उन लोगों को इन्वायरमेंट में बैठा दिया, मतलब अभी शेडोज हाइलाइट्स वगैरह देनी बाकी रह गए बट एक पूरा स्ट्रक्चर बेस स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है. ठीक है, आप देख सकते हो बैक में लाइक वेट इज अगेन तिंचा इन देखो मैंने वो फोकस कर रहा है. हाँ, यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, एंड ये सब हो चुका है लाइक ऑलमोस्ट डन. अभी मेरे को शेडोज हाइलाइट्स वगैरह डालनी है एंड
really am tired from my hair. Like they grew with never hoot chuke. Main ro kadwane padenge bhai bahut bade ho chuke next week. Isko complete karte hain and dekhte hain main bahut excited hu kaisa banne wala hai ye. वो बहुत अच्छा बनाया है बिकॉज मैंने इसमें ब्लेंडर का भी इस्तेमाल करा है, फोटोशॉप का इस्तेमाल करा है, काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल करा है. एक टू बी ऑनेस्ट मेरे को अंदर से इससे होप है, तो होप अच्छा मैंने. बाकी मैं इसमें देख रहा हूँ अगर को इसमें देखना इससे कैमरा में तो या आई जस्ट बॉट अ न्यू कैमरा एंड मैं कन्फ्यूज हूँ. सॉरी यार, ठीक है मैं कन्फ्यूज हूँ. मैं यूज चाहूँगा मैं इसमें देखने के लिए अब मुझे पक्का. तो लेट्स गो. So this was the final design. तुम लोगों ने देख लिया and hope आप सभी को अच्छा लगा होगा. Like अच्छा लगा तो please यार comment कर देना and video को like कर देना, channel को subscribe कर देना. Obvious अगर तुम लोग वो मैच चला रहा हो like you can see me bro, you can see me like a fashion. I can become a fashion influencer. Not really but okay. तो इस मेरे मैन तुम लोग मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो जाके मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको स्क्रीन मिल जाएगा. कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए. मेरे को बस कमेंट करके बताओ किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. तुम्हारा बाइक स्टॉप पर वीडियो लिया है ना वो तुम लोगों को पसंद आया होगा यार. कुछ कमी हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना. एंड दिस डिज़ाइन मैं इसको अपने इंस्टाग्राम पर दूंगा, वहाँ पे लिंक पोस्ट कर दूंगा. ठीक है इसको तो अपने वॉलपेपर पर लगा सकते हो इफ़ यू वॉन्ट. तो या दैट्स इट. तो सी यू नेक्स्ट बिल्डन एंड्रॉइड साइनिंग आउट. しないで日が昇るまで